नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। रात के 8 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है आज की सबसे बड़ी बहस न्यूज एंड व्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार सत्ता संभालने से पहले बिना नाम लिए बड़बोले नेताओं को छपास और दिखास मोह से बचने की हिदायत दी थी। उसके बाद भी जब पार्टी में आकाश विजयवर्गीय जैसे बैटमैन विधायक सामने आए तो उसके बाद संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सख्त रवैये में बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी हुए कहा था, किसी भी नेता का अहंकार हो, दुर्व्यवहार हो, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किसी की मनमानी पार्टी में नहीं चलेगी क्योंकि आपके ऐसे व्यवहार और बयानों से पार्टी की छवि धूमिल होती है। लेकिन बावजूद इसके पार्टी में कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो अपनी सियासत की लकीर अपने ही तरीके से खींचना चाहते हैं। विधायक से ज्यादा विवादों के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बीजेपी के कालीचरण सर्राफ उन्हीं में से एक, जो कभी अपराध न रुकने का दम भरते हैं तो कभी जूते के जरिए काम कराने का। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे बड़बोले नेता छपास और दिखाव के मोह से खुद को दूर नहीं रख पा रहे, और क्या पीएम की नसीहत का भी ऐसे नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर इसी पर होगी चर्चा। जब राज होता है तो कलम की ताकत से काम होता है, और जब राज नहीं होता पर जूते के जोर से भी हम काम करवाना जानते हैं। ये बीजेपी के नेता माननीय कालीचरण सराफ जी हैं। सुना है कालीचरण सराफ गंदे शब्दों का शरबत बनाकर पी गए। अब कालीचरण के डकार से भी गाली की बदबू आ रही है। कलम की नोक को अपने जूते के तल्ले से कुचलते हुए कालीचरण सराफ ने गाली की नई परिभाषा लिखी है। मतलब कलम से काम नहीं होगा तो अधिकारी के सर पर कमल वाले कालीचरण का जूता होगा। जब राज होता है तो कलम की ताकत से काम होता है, और जब राज नहीं होता जूते के जोर से भी हम काम करवाना जानते हैं। कहने वाले गलत कहते हैं कि विपक्ष के पास पावर नहीं होता। कालीचरण के जूते का पावर देखकर WWE के पहलवान भी कांप जाते हैं। राजनीति शास्त्र की किताब में कहीं पढ़ा था कि नेता जनता के रहबर होते हैं, लेकिन नेता जब गाली देते हैं तो गली के लफंगे अपनी गालियों पर शर्मा जाते हैं, और बीजेपी के पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ अभद्र भाषा के गोबर में गिरते चले गए। निगम के अधिकारियों ने आकर के हमें बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 4000 स्क्वायर मीटर जगह JDA ने नगर निगम को अलाट कर दी है। फाइल अप्रूवल के लिए मंत्री महोदय के पास गई हुई है। जैसे ही मंत्री महोदय की अप्रूवल आ जाएगी उसका काम भी हम चालू कर देंगे। ये दोनों हमारी समस्याएं थी, और हमने ये कहा था कि जब राज होता है तो कलम की ताकत से काम होता है, और जब राज नहीं होता तो संघर्ष के आधार पर जूते के जोर से भी हम काम करवाना जानते हैं। कालीचरण सराफ की गाली को कांग्रेस ने वजूद की लड़ाई बताया है। बीजेपी सूबे में अपना वजूद खो रही है, और इसी वजूद को वापस लाने के लिए बीजेपी नेता गाली दे रहे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए कलम का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और अपराध को संस्थागत करने के लिए किया था, और सत्ता से जब बाहर रहते हैं तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए इस तरह के ढोंग प्रकरण को अंजाम दे रहे हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी तरह से उचित नहीं है, और एक तरीके से उकसाने वाला बयान है। ये धमकी है या गुंडागर्दी पता नहीं। ये भी नहीं पता कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा साहब पर धरी जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि पावर वाले नेता कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जैसे माननीय पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ जी ने किया है। जब राज होता है तो कलम की ताकत से काम होता है, और जब राज नहीं होता जूते के जोर से भी हम काम करवाना जानते हैं। शशि मोहन शर्मा के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। तो आपने कालीचरण सराफ का ये बयान देखा कि जब हमारा राज होता है तो कलम के दम पर काम होता है, लेकिन जब राज नहीं होता तो जूते के दम पर भी काम होता है। ये बयान क्या पार्टी की नीति से जुड़ा हुआ है या फिर अपनी खुद की लकीर खींच रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने ऐसे ही बड़बोले नेताओं को साफ हिदायत दी कि साहब लिमिट में रहिए, क्योंकि आपके ऐसे बयानों से, आपके ऐसे व्यवहार से पार्टी की छवि धूमिल होती है। तमाम खास मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय उसके बाद इस बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे।
ओम सैनी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र श्रीमाली जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंद्राज मेघवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वंचित समाज परिसंघ के हमारे साथ शामिल हुए हैं, गजेंद्र सिंह जी कर्मचारी नेता हमारे साथ शामिल हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस डिबेट में शामिल होने के लिए। जितेंद्र श्रीमाली जी पहला सवाल मेरा आपसे ही है, जो आपके विधायक साहब कह रहे हैं कि जब हमारा राज होता है यानी जब सत्ता होती है तो कलम के दम पर काम होता है, लेकिन जब विपक्ष में आ जाते हैं सत्ता नहीं होती है तो जूते के दम पर काम होता है। जरा परिभाषा यहां पर सर क्लियर करिए कि क्या है वो परिभाषा उनकी। देखिए परिभाषा उनकी क्या है ये तो उनके दोनों बयान जो उन्होंने साथ साथ दिए हैं अगर अपन उन बयानों को सुनेंगे तो उनकी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि संघर्ष के दम पर संघर्ष के आधार मतलब पर संघर्ष होता है जूते के जोर पे तो ये जूते का मतलब संघर्ष होता है क्या सर? आज तक नहीं पढ़ा मैंने कभी भी। बिल्कुल संघर्ष होता है। हाँ। वही होता है। देखिए राजस्थान के अंदर जब कोई बात कही जाती है कि हम ये काम जूते के जोर पे कराएंगे, जूते के नोक पे कराएंगे, का मतलब ये है कि संघर्ष करेंगे हम, वो संघर्ष करके हम उस काम को कराएंगे। हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर यही शब्द कांग्रेस से कोई कहता तब भी आप इसको इसी विचारधारा के साथ परिभाषित करते। यहाँ मेरे सामने एक बार मैं सुनाती हूँ आपको, उसके बाद आगे बढ़ूंगी क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो डिबेट में। मेरी बात एक सेकंड सर, कोई कंफ्यूजन रखना नहीं चाहती हूँ मैं। जितेंद्र जी कोई कंफ्यूजन, जब राज होता है तो कलम की ताकत से काम होता है और जब राज नहीं होता जूते के जोर से भी हम काम करवाना जानते हैं। जब राज होता है तो कलम की ताकत से करिए परिभाषित, डिफेंड करिए जितेंद्र श्रीमाली जी। दूसरा बयान साथ में और दिया है, मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने जो बयान बात कही है कि राजस्थान में की भाषा के अंदर लोकोक्ति के आधार के ऊपर जो जिस प्रकार से बोला जाता है वो उनका सीधा अर्थ है कि जब राज होता है तो कलम के अंदर ताकत होती है और जब विपक्ष के अंदर कोई व्यक्ति बैठता है, एमएलए चुनाव व्यक्ति जनप्रतिनिधि है, तो वो अपना संघर्ष करके जन आंदोलन के माध्यम से और उस काम को कराने की वो कोशिश करता है। तो ये स्पष्ट है इसके अंदर। ओम साने जी, ये जूते का मतलब संघर्ष क्या कभी किसी किताब में कभी किसी पार्टी की नीति में क्या आपने सुना है? क्योंकि सर मैंने तो सुना नहीं। अगर ये इसको परिभाषित कर रहे हैं कि संघर्ष का मतलब होता है जूता और जूते को संघर्ष से वो उन्होंने कोड किया है कि देखिए हमारा जूता मतलब हमारा संघर्ष, किसी को जूता मारेंगे तो वो संघर्ष करेंगे। ठीक है एक सेकंड मेरी बात उदाहरण बहुत है जितेंद्र जी मेरे पास कहा जाता है और अगर मैं दूंगी तो आप ये कंपेयर करना भूल जाएंगे। कही जाती है एक सेकंड ओम सैनी जी, क्या जूते का संघर्ष है? कहा जाता है ताल ठोक के, ताल ठोक के और जूता ठोक के बहुत डिफरेंस होता है सर, समझिए जरा शब्दों को। कालीचरण जी उस पार्टी के सदस्य हैं, उस पार्टी के सदस्य हैं, उस संगठन से निकल के आए हैं जहां लोगों को शिष्टता सिखाई जाती है। संभवतः इन्होंने जब ये 1973 में जब राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो उस वक्त से हम जानते हैं इनको और ये संघनिष्ठ हुआ करते थे तो संघ में ये भाषा का तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग करना बताया जाता है, विनम्रता और शिष्टता के साथ। सर मैं संघ से जोड़ना नहीं चाहती इस बयान को, मैं सिर्फ कालीचरण सर्राफ से जोड़ना चाहती हूँ, मैं संघ पे जाना नहीं चाहती। मेरा सवाल विधायक के बयान पर। निश्चित रूप से इनका ये बयान अपने आप में बड़ा शर्मनाक है और इस तरह की भाषा किसी राजनेता को अच्छा नहीं लगता है, उनके 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 मुंह से निकला हुआ शब्द अपने आप में बड़ा अपमानजनक है, अनपार्लियामेंट्री है और ये राजनेता स्थापित नहीं होते इससे, इससे वही होते हैं जो हमने अपने पूर्व उसके अंदर कहा है कि किसकी भाषा है ये, मैं ये कहना नहीं चाहता अपने मुंह से, लेकिन ये सचमुच में पार्टी को बदनाम करने वाला सिलसिला है जो पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरे के लिए विख्यात रही है, स्थापित करने की लगातार चेष्टा करती रही है। उस पार्टी में अगर इस तरह के लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं तो निश्चित रूप से लोगों में आम इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा और ये पता लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, पहले ये नहीं बोला करते थे। ठीक है, पहले भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की भाषा। एक जवाब मेरा कि क्या ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है जो जितेंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए हमारे जूते का मतलब संघर्ष होता है, यानी अगर हम किसी को जूता मार रहे हैं तो हम बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जूते वाली जो सियासत है वही विजय वर्गीय के बेटे ने भी दिखाई, जिन्होंने बैठ की वहां पर कहीं संघर्ष किया था बैठ के साथ, उन्होंने कहा है कि जूते के जोर पे कराने का, जूते के नोक पे कराने का मतलब ये डिफेंड करने का बड़ा जन आंदोलन का तरीका है, ये जन आंदोलन का मतलब है ना, ना इसका मतलब सीधा सा आता है कि हम और उन्होंने दोबारा जब आपने यही जो भाषा दोबारा दिखाई है, नहीं दोबारा जब दिखाई है जितेंद्र श्रीमाली जी बताया आपने, दो प्रकार के स्टेटमेंट बताया उन्होंने, उसमें स्पष्ट भी कर दिया।
नहीं प्रोटेक्ट कर सकते निश्चित रूप से। स्पष्ट कर दिया उन्होंने, इनकी आलोचना होनी चाहिए इस तरह की भाषा पर। बेहतर होता कि आप यहाँ बैठकर ये कहते, भाषा आगे नहीं बोलूंगा, बेहतर होता कि आप यहाँ ये बैठकर कहते कि मुझे माफी मांगनी है अपने विधायक के इस बयान पर, क्योंकि वाकई उन्होंने पार्टी की नीति से और प्रधानमंत्री की नीति से हटकर बयान दिया है। लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि आप यहाँ उसको डिफेंड कर रहे हैं उस बयान। अगर रुकिए जरा, मैं आ रही हूँ सर, बाकी लोग भी है। इंदिराज जी, मेरा सवाल ये, आपने काली चरण जी का जो दिखाए थे उनमें खुद में उन्होंने बोला है कि संघर्ष के आधार पर जूते के नोक के ऊपर संघर्ष का जिक्र तक नहीं है। सीधा मतलब है कि जन आंदोलन का जिक्र तक नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जन आंदोलन करके अपनी बात को मनवाने का ही तरीका होता है। किसे गुमराह कर रहे हैं, किसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? ये एजेंडा नहीं चलता सर मेरी डिबेट में। प्लीज सर, प्लीज सर, गजेंद्र जी मेरा सवाल आती हूँ। ये तो खुद ने बताया है, कालीचरण जी का खुद के स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, और सबसे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इन्होंने दोबारा अपने इसी बात को क्लियर भी किया है, संघर्ष के आधार पर, जूते के आधार पर। सवाल ये कि क्लियर करने की नौबत क्यों आती है? पहले ऐसे बड़बोले बयान क्यों दे देते हैं? ऐसे तमाम बड़े सवाल है कि इन नेताओं को समझना चाहिए, परहेज करना चाहिए। ठीक है, आप सत्ता में हैं, यहाँ विपक्ष में हैं, लेकिन उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको बयान देने चाहिए कि इनका फर्क क्या पड़ता है। आती हूँ मैं इंदिराज मेघवाल जी, मेरा सवाल ये सर कि देखिए, अपनी राजनीति की एक अलग ही लकीर खींचने के लिए चाहे विधायक हूं, चाहे सांसद हूं, चाहे नेता हूं, इस तरीके के बयान हमेशा देते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के भी हो। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ बीजेपी के हैं, मध्य प्रदेश में चले जाइए, कांग्रेस की सरकार में श्रम मंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि लात मार के हम अलग कर देंगे, अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे अगर हमारे तरीके से काम नहीं होगा। मेरा सवाल ये कि जब एक आईएएस पीसीएस अधिकारी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या नहीं लगता कि उसकी गरिमा पर कितनी ठेस पहुंचती है? क्या एक मैसेज जाता है? देखिए लक्ष्मी जी, देखिए लोकतंत्र के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके सेपरेट ज्यूरिडिक्शंस हैं, एक दूसरे की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कालीचरण जी की भाषा व्यक्तिगत नहीं है, बीजेपी का आजकल चरित्र ऐसा ही हो गया है। हमारे तो भुगत भोगी हैं, अभी आपका चरित्र तो ऐसा है जो देश के टुकड़े करवाना चाहते हो। 600 साल आपकी भाषा तो ऐसी है, 600 साल पहले की भाषा, इमरान खान की भाषा, पहले ना होगा आप किसी को भी नहीं दोगे सर। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा, उनकी भाषा क्या लेकर कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा। गांधी जी की भाषा तो सुधारिए, राहुल जी की भाषा नहीं कर रहा, राहुल जी की भाषा सुधारिए। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं तो एजेंट बनकर बात कर रहा हूं, मैं आप उनकी भाषा सुधारिए, राहुल जी की, इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। आप देखिए अंदर, आप ये देखिए कि वहां के जो नेता जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, उनकी भाषा सुधारिए, आदरणीय आप, आप मेरी बात कहने दीजिए, जितेंद्र श्री माली जी पहला राउंड है, मेरा अनुरोध है आपसे डिबेट का डेकोरम फॉलो करिए, पहले राउंड में सबकी बात आने आने दीजिए, उसके बाद काउंटर क्वेश्चन का मौका दूंगी सर। प्लीज बोलिए सर, कंप्लीट करिए अपनी बात को। देखिए हमारे साथ अब हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि हमारा 600 साल पुराना रविदास मंदिर बीजेपी ने दिल्ली में तोड़ दिया, कथनी करनी में अंतर नहीं, जिसकी लाठी जिसकी भैंस हो रही है, तो सुनता कौन है? वास्तव में जो कह रहे हैं करते भी हैं। कोर्ट का आदेश था, सरकार से मत पढ़िए, उसका मामला मुझे पता है, वो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो होगी। यहाँ बयान पर आइए, लेकिन 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 मैं कह रहा हूँ कथनी कथनी करनी में कथनी करनी में अंतर नहीं है बीजेपी में इस मामले में। क्या प्रश्न क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं? मैंने कहा ना उनको, जहां वो गलत है या गलत शब्दों का इस्तेमाल या गलत चीज को कोट कर रहे हैं, मैं वहां उनको करेक्ट कर रही हूँ कि सर वो कोर्ट का मामला था, उसको आप सरकार से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर कोर्ट का कोई फैसला है तो उसका सम्मान हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को करना होगा, उसके लिए हम उससे ऊपर नहीं जा सकते, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मेरा सवाल सिर्फ इस बयान पर है कि इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या पूरे देश के अंदर आंदोलन है, वो बीजेपी की वजह से हुआ है जी। जितेंद्र जी जवाब दीजिए, अब वो कह रहे हैं कि अब आपकी नीति ऐसी हो गई है, जवाब दीजिए आप। अच्छा जी, देखिए हमारी नीति किस प्रकार की हो गई है ये तो पूरा देश देख रहा है कि हमारी कथनी और करनी में इस प्रकार के आप अगर भाषा के ऊपर ही आते हैं तो आपकी भाषा के आधार पर तो देश टूट रहा है। हमारी भाषा के आधार पर तो हम तो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, पर आपकी भाषा और इमरान खान की भाषा क्यों है, इसके पीछे कौन सा हिडन एजेंडा है? कम से कम देश के हित, देश की एकता अखंडता से ऊपर उठ करके तो कोई बात नहीं है, कम से कम उसके ऊपर तो देखिए।
आप ये देखिए कि जिस प्रकार से अधिकारियों को झूठा मारते हुए देश की अखंडता की बात करते हैं आप, जेएनयू के अंदर अधिकारियों को झूठा मारने की बात करते हैं, डिबेट पर आइए, इंशाल्लाह डिबेट पर आइए, जेएनयू की बात नहीं कर रही हूं मैं, इस बार उनको थप्पी देने के लिए राहुल गांधी वहां जाते हैं डिफेंड करने का, अगर आपको उम्दा है तो बोलिए, अन्यथा कहिए माफी मांगता हूं। जितेंद्र बाली मुद्दे पर भटकिए मत, जेएनयू या फिर दिल्ली या फिर इस तरीके की चीजों का नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात होगी। तो मैं वही कह रहा हूं जी कि आप ये कह रहे हैं, आपने ये कहा कि आपकी कथनी करने में कितना फर्क आया पहले की भाषा आज की भाषा के, तो हमारे भाषा के अंदर फर्क नहीं है, हम तो जो कहते हैं वो करके दिखाया है, हम तो जो कहा है वो करके दिखाया है। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये भाषा बोल रहे हैं, मैं जितेंद्र जी की बात कर रहा हूं, तो भाषा के बारे में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम भाजपा को सिखाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आज भी मैं बता दूं, और मैं बहुत सरल हृदय से इस बात को अगर मैं कह देता और वास्तव में गलत हुआ, परंतु आज उनका मंतव्य स्पष्ट रूप से था कालीचरण जी का, और उन्होंने अपने इसी बात को स्पष्ट भी किया है अपने जो आपने शुरू में जब ये कार्यक्रम स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके जो दो बार आपने वक्तव्य दिखाए कालीचरण जी के, एक वक्तव्य तो ये है जो अभी आप दिखा रहे हैं, दूसरा वक्तव्य ये है जिसमें उन्होंने खुद ने संघर्ष की बात जोड़ी है, तो ये स्पष्ट रूप से है जी, जितना संघर्ष आप यहाँ बैठकर उन्हें डिफेंड करने के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है एक सेकंड, इतना संघर्ष में आपका देख पा रही हूँ उनके बयान को डिफेंड करने के लिए, इतना संघर्ष करिए उनको समझाने के लिए, ऐसे नेता मैं वही बता रहा हूँ, उनको समझाने के लिए करिए, इससे पहले भी बयान दे चुके हैं इस तरीके के, पहली दफा नहीं है उनका चेहरा, पहली दफा नहीं है सर कि कोई बात कहे तो सब ताल आती हूँ मैं आपके पास, तो ताल ठोकने का मतलब ये है, गजेंद्र जी एक सेकंड, गजेंद्र जी, लक्ष्मी जी कोई बात कही जाती है जैसे कहते हैं कि ताल ठोक के कह रहे हैं, तो ताल ठोकने का मतलब यही होता है कि बात को शब्दों की मर्यादा, शब्दों की परिभाषा और शब्दों का मतलब बहुत अच्छे से समझती हूँ, इनको गाली से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके समझाने वाले शब्द में नहीं समझूंगी, इसमें राजस्थान के अंदर गाली से जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड रुकिए जरा, गजेंद्र सिंह जी कई सारे मौके हम ऐसे देखते हैं कि जब यूनियन कर्मचारी कहीं भी जाते हैं तो उनको भी ऐसे शब्दों का, ऐसी तस्वीरों का सामना करना पड़ता है, क्या असर जाता है इसका, क्या मैसेज जाता है इसका, मैं लक्ष्मी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी. राजस्थान में हो चाहे कहीं भी हो, कर्मचारी एक लोक कल्याणकारी सरकारें होती है, और उनकी लोक कल्याणकारी जो जनहित में जो योजनाएं होती है वो कर्मचारी ही पहुंचाते हैं ये आम जनता तक। मैं जैसे श्रीमाली जी कह रहे हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं, आज आप विपक्ष में कल पक्ष में थे, तो विपक्ष के लोग भी ऐसा बोल सकते थे, और उस समय जनता, अब एक जनप्रतिनिधि को जैसे जिस प्रकार से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये भाषा शोभा नहीं देती, और इससे लोगों में एक गलत मैसेज जाएगा, और आने वाले समय में हो सकता है कल आप सत्ता में हो उस टाइम ये जूते और ये चप्पलें सब तैयार रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो भाषा का उपयोग किया उस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक आप काम की बात करते हैं, राजस्थान का कर्मचारी हर क्षेत्र में जो भी सरकार है उस पर फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता किसकी है, उनको फर्क ये पड़ता है कि सत्ता में काम कौन कर रहा है, उससे भी फर्क नहीं है, पर कार्य क्या करना है ये कर्मचारी आम जनता तक जो सरकार जो योजनाएं बनाती है उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और उनमें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, इसलिए हम जब सेवा में आते हैं कर्मचारी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 साल की सेवा तक उसमें कई सरकारें आती है कई, लेकिन पार्टी के इन विधायकों का जो रवैया है कई जाती है, पर कर्मचारी 60 साल की उम्र तक सेवा में रहता है, और वो हर योजनाओं को जनता तक और जनता की सेवा में हर समय तैयार रहता है, ठीक है, पर मेरा वही सवाल है, जब जनप्रतिनिधियों का रवैया रहता है, देखिए कर्मचारियों को भी ऐसे पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो नेता हैं, उनके रवैये का सामना करना पड़ता है। इंदौर में यही हुआ, जब निगम कर्मचारी वहां पहुंचे तो इसी पार्टी के जो विधायक हैं आकाश विजय वर्गीय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने संघर्ष किया बैठ से, उन्होंने निगम कर्मचारी की जो पिटाई की वो बैठ से की, जिसको संघर्ष का रूप दे रहे हैं जितेंद्र श्रीमाली बैठकर, क्योंकि जब जूता मारना संघर्ष हो सकता है तो बैठ मारना भी संघर्ष हो सकता है, कर रहे हैं या जूते से कर रहे हैं जितेंद्र श्रीमाली उसको आप आज के जो कालीचरण जी की भाषा से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कालीचरण जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो अपनी भाषा किस प्रकार से बोलनी चाहिए इसके ऊपर पूरी तरह से परिपक्व हैं वो, परंतु मैं आपको कह देना चाहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजस्थान में आपको एक लाइन और होती है, जैसे कहते हैं कि बात कहना,
तो तार ठोकने का मतलब ये नहीं कि ठोकना, पिटाई करना, ठोकना हो जाता ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि मजबूती से अपनी बात को कहना, उसी प्रकार से कि कोई काम जूते की नोक पे कराने का मतलब ये होता है कि संघर्ष और जन आंदोलन के आधार पे गंभीरता को समझना होगा। जितेंद्र श्रीमाली, बेहद महत्वपूर्ण है ये बयान उनका। ओम सैनी जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की नसीहत का कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे नेताओं पर? एक सेकंड, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसा दुर्व्यवहार, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, इस तरीके का व्यवहार अगर आप करते हैं। एक सेकंड जितेंद्र जी, एक मिनट रुकिए जरा। ऐसा व्यवहार अगर आप करते हैं, इस स्टेटमेंट को प्रधानमंत्री जी की नसीहत से जोड़ने की, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा सर, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। आप यहाँ उनको डिफेंड करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, आप डिफेंड करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हमें संघर्ष करना पड़ता है पार्टी के लिए, और आपकी ऐसी बयानबाजी पार्टी की छवि को धूमिल करती है। ओम सैनी जी, क्या प्रधानमंत्री के बयानों का या उनकी नसीहत का कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे नेताओं को? देखिए, जितनी गंभीरता से प्रधानमंत्री जगह जगह कहते हैं कि हमारे सांसद और हमारे विधायकों को किस तरीके से पेश आना चाहिए, बार बार कहते हैं वो, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन बातों का असर जैसे होना चाहिए नहीं हुआ, उसका नतीजा देख रहे हैं हम कि कालीचरण जी ने जानते बूझते हुए, जितेंद्र जी कहते हैं कि लोकोक्तियों में इस्तेमाल होने वाला, मुहावरों में इस्तेमाल, आपको तो खुद को पता है, आप तो पत्रकार रहे हैं, आपको पता है बात का कि राजस्थान के अंदर कोई काम को जूते की नोक पे करा रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? जनता जान रही है, दर्शक भी सुन रहे हैं इस बात को, दर्शक भी समझ रहे हैं, जूती उतार के और माथे में मारना, जूते की नोक पे कराने का मतलब होता है आंदोलन के रूप में, उसको संघर्ष के रूप में, जन आंदोलन के रूप के अंदर उसको काम को करना। राजस्थान के बारे में अगर आप मैं भी जानता हूँ, राजस्थान के अंदर इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कोई काम को जूते की नोक पे कराने का मतलब होता कर है जन आंदोलन संघर्ष के आधार पे। कालीचरण जी ने गलती की है, उनको माफी मांगनी चाहिए, खुद ने स्पष्ट भी किया है, कुछ भी नहीं के बारे में, राजस्थान की लोकोक्ति के बारे में आप जानते हैं? एक मिनट दीजिए जितेंद्र जी, देखिए राजस्थान, आप एक सेकंड, ओम सैनी जी बस एक मिनट में आ रहे हो। मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूँ, जहाँ पर श्रम मंत्री है महेंद्र सिंह, वो जितेंद्र जी ये कहते हैं कि अगर अधिकारी हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा तो हम जूता मार के उसको बाहर कर देंगे या लात मार के बाहर कर देंगे। क्या ये संघर्ष, ये मतलब इसको आप तुलना कर देंगे अपने विधायक से? उन्होंने गलत तो नहीं कहा कुछ, महेंद्र सिंह ने ठीक कहा है? देखिए लक्ष्मी जी, उन्होंने किस संदर्भ में क्या बात कही है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश के वाले कालीचरण जी वाला जो विषय है उसके बारे में मेरे को जानकारी है, क्योंकि मैं खुद भी वहां मौजूद था। कालीचरण जी वाले विषय पे तो मैं खुद मौजूद था वहां पर, और मेरे को पता है कि उन्होंने किस संदर्भ में बोली। और ये मैं बता दूं, वो मामला क्या था, मामला ये था कि वहां पर सड़क के ऊपर गड्ढे बने हुए थे, और गड्ढों के मामले में सरकार को बार बार ये कहा गया, समय नहीं है कि आपके डिफेंडेशन को पूरी तरीके से एक घंटे की भूमिका बनाने का मौका दो, इतना समय नहीं है। मैं लगातार आधे घंटे से कालीचरण जी से फोन लगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि फोन उठा लें। जवाब क्या देंगे, जवाब क्या देंगे सर? मैं तो एक लाइन, मतलब संघर्ष, छोटा बच्चा भी नहीं समझता। उन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने खुद ने आपके चैनल पे, आपने खुद ने अपने चैनल पे दिखाया। इंदिरा जी, मेरा सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है सर, अगर कांग्रेस की भी मैं बात करूं तो देखिए उनके श्रम मंत्री वही बात कहते हैं, वो कहते हैं अधिकारी अगर मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा लात मार के बाहर कर दूंगा। क्या ये भाषा होनी चाहिए किसी भी पार्टी के नेता हो, क्या ये भाषा होनी चाहिए अधिकारियों के लिए? नहीं, ये देखिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो उसके लिए और बहुत रास्ते हैं, कंडक्ट रूल्स हैं, ये तो बिल्कुल शोभनीय नहीं है कि कर्मचारी आप एग्जीक्यूटिव को इस ढंग से धमकाओ, ये शोभनीय कति नहीं है। एग्जीक्यूटिव अपने गरिमा में ट्रेंड अधिकारी और कर्मचारी लोग होते हैं, वो निश्चित रूप से जो अपने दायरे में काम करते हैं, तो ये तो लोकतंत्र में डिजायरेबल कति नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऐसा वातावरण, एक नैतिक वातावरण डेवलप होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से विधायिका, कार्यपालिका और ज्यूडिशरी मिलके संविधान के दायरे में काम करें, यही डिजायरेबल है। इस मामले में तो मैं ये कहूंगा कि ये ऐसे बयानबाजी, पिछली बार आपने देखा होगा चांदा जी ने क्या किया था सर, क्या किया था, आदिशासी अभियंता को थप्पड़ मारा, गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का उन पर आरोप लगा। किसी एक पार्टी में ये राजनीति शुरू नहीं हुई है, ये तो देखिए कांग्रेस बीजेपी का चरित्र है ही ऐसा, नेताओं को टिकट देते हैं,
अजय अशोक आपके पार्टी के लिए कह रहे हैं, अशोक चांदना जी तो आपकी पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस मेरी पार्टी नहीं है, मेरी कांग्रेस पार्टी नहीं है, मैं तो आपकी पार्टी नहीं, नहीं 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 कांग्रेस मेरी पार्टी नहीं है, मैं कांग्रेस बीजेपी से लेना देना नहीं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ जितेंद्र जी, मैं केवल नैसर्गिक बात कह रहा हूँ कि देखिए इस देश में जो संविधान के दायरे में जो कार्यपालिका की जो भूमिका है उसको एनक्रोचमेंट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, जुडिशरी को भी नहीं है, सब नियम कानून कायदे बने हुए अपनी लाइनों पे चले और देश में व्यवस्था के हित में सिस्टम के हित में यही उचित है, ये किसी चीजों को डिजायरेबल नहीं किया जा सकता। लेकिन सर मुझे वो दिन आज भी याद है जब दूसरे कार्यकाल 2019 में भारी बहुमत के साथ जब शपथ ग्रहण करने जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे एक दिन पहले उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए ये कहा था कि शपथ ग्रहण के बाद अगर मैं ये कहता तो किसी को लगता कि मेरे लिए कहा गया है, किसी को लगता कि मेरे लिए कहा गया है। उन्होंने सबसे पहले इस बात की नसीहत दी कि देखिए आप इस तरीके की बयानबाजी मत करिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, ऐसी बयानबाजी मत करिए इससे पार्टी को कोई नुकसान हो। लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें आकाश विजयवर्गीय बैट से हालांकि वहां पर मारते हुए नजर आते हैं, गुजरात के विधायक बलराम धवानी एक महिला को लातों से मारते हैं। सवाल यह है जितेंद्र श्रीमाली कि इस छवि को थोड़ा बदलने की जरूरत नहीं लगती आपको, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं लगती आपको? 10 सेकंड में समय समाप्त हो रहा है सर। देखिए लक्ष्मी जी, मध्य प्रदेश में और गुजरात का जो विषय है वो वहां की मेरे को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उनके संदर्भ में नहीं कह सकता, पर मैं कालीचरण जी वाला जो विषय है उसके बारे में फिर कहूंगा क्योंकि मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था और जो इस विषय में बात चल रही थी, अगर आप पूरे उस भाषण को सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसे एक लाइन को उठा के अपन बात कर रहे हैं, इसके बजाय उनका पूरा भाषण अगर अपन सुनेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने जन आंदोलन को ध्यान में रखते हुए ये वाला विषय कहा गया। माफी मांगने का विषय नहीं है क्योंकि उन्होंने जन आंदोलन के लिए पूरा भाषण अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने जन आंदोलन और संघर्ष करने के लिए ये बात कही है। आपका संघर्ष भी मुझे दिख रहा है नेता को डिफेंड करने के लिए, लेकिन कोशिश करिए कि यहाँ डिफेंड करने के लिए संघर्ष न करना पड़े, उन नेताओं की भाषा को संघर्ष से पहले ही थोड़ा सुधारिए। कालीचरण सर्राफ जैसे नेता क्या इस तरह के बयान देकर बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं? बेहद महत्वपूर्ण सवाल। 81% लोग मान रहे हैं कि निश्चित तौर पर ऐसे नेता जब ऐसी बयानबाजी देते हैं तो पार्टी की छवि खराब होती है। प्रधानमंत्री कई बार नसीहत दे चुके हैं जिसको ये फॉलो नहीं करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि नेता ऐसी बयानबाजी से परहेज करें और पार्टी की जो छवि है उसको खराब करने से भी परहेज करें। फिलहाल के लिए इतना ही।